और इस अंदोलन की सब तो वड्डी रीढ़ की हड्डी धन गुरु नानक पातशाह ने, जिस धन गुरु नानक पातशाह ने सिर ते हाथ रख के शुरू तो लैके भावें कि इत्थे बहुत सारिया घटनावां विक्रम जी हुई ने, पर उन्हां घटनावां नूं दा पर्दा सी जिहड़ा वह गुरु नानक सच्चे पातशाह ने साडे सिर ते हाथ रख के पाया। गुरु नानक पातशाह दे गुरपुरब वाले दिन साडे देश दे प्रधानमंत्री नूं जफरनामा एक साल का पढ़ना पिया और यह गल कहनी पई, और किसानां तों उन्होंने माफ़ी भी मंगी और नाल यह गल कही भी मैं तीनों काले कानून जिहड़े ने उन्हां दा परण करना यह वापस लैना। भावें असी कुछ खोया भी बहुत कुछ है, 700 तो उपर किसान जिहड़े ने वो शहीदियां प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हां विच साडियां मातावां भैणां भी है ने, साडे बजुर्ग भी ने, साडे नौजवान वीर भी ने, पर इस अंदोलन की जिहड़ी असली सच्चाई है वो सिदक सबर ते संतोख। यह अंदोलन दुनिया का आखिरी ते पहला अंदोलन सी जिस अंदोलन ने सारी दुनिया के उपर चानण पखारिया और सारी दुनिया के उपर इस अंदोलन ने एक वक्री रूपरेखा दिती है। इस अंदोलन नाल ओ लोग भी आ के जुड़े ने जिहड़े घर विच बैठे सी जिन्हां नूं पता नहीं सी किसानी की चीज़ हुंदी है। अंदोलन जितया गया, किसानों की फतेह हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुणां ने ऐलान किया सी गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब के मौके, और बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि गुरु नानक साहब ने कृपा की है, अंदोलन जितया गया। और कड़ी जे जोड़ के देखिए तां इस अंदोलन की रीढ़ की हड्डी लंगर रहे ने, उही लंगर जिन्हां की शुरुआत श्री गुरु नानक पातशाह ने की सी 20 रुपए तो, 20 रुपए के उन्हां लंगरां ने करामात की, चमत्कार होए। और नैशनल मीडिया, गोदी मीडिया ने कहा कि इन्हां नूं फंडिंग कित्थों हो रही है, फंडिंग ते सवाल उठ रहे सी, पर वाकई चमत्कार होए ने इस अंदोलन दे विच। अंदोलन जितया गया, गुरु नानक साहब ने भी खेती की सी और उन्हां ही खेती दे पुत्रां धरती दे पुत्रां दी जित होई है। बलवंत सिंह बहराम के साडे नाल मौजूद ने, किसान आगू भी ने, गलबात करदे और नाल ही इन्होंने ही पाठ किया एक साल, इन्होंने ही अरदास की है सिंघू बार्डर की स्टेज पर, गलबात करते। बहराम के जी बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। असी प्रो पंजाब का धन्यवाद करते हाँ समुचे किसान आगुआ वालों, क्योंकि लंबे समय तो एक साल तो लगातार इस अंदोलन नाल जुड़ के तुसी सारे किसानी दियां खबरां अपडेट करके पूरे देशों विदेशों में भेज दो, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ से मैं चर्चा करना चाह रहा कि गुरु नानक साहब का इस अंदोलन के नाल देखिए या लंगरां का इस अंदोलन के नाल कितना क वड्डा रिश्ता रहा, कितनी क वड्डी सपोर्ट रही। साहिब हाथ वड्याईयां जिस भावित दे, इस अंदोलन नूं चलदिआं विक्रम जी एक साल के करीब हो चुका है। इस अंदोलन की जे आप रूपरेखा देखिए, जे इस अंदोलन के उपर लेखा जोखा करिए, तो मैं कहांगा भी इस अंदोलन से लैके शुरू तो लैके उस गुरु नानक पातशाह का हाथ रहा, क्योंकि अंदोलन के जिवें लंगर का चलना, जिवें गुरु नानक पातशाह ने उन्हां समयां दे विच 20 रुपयां का लंगर साधुआं नूं छकाया, तो उस लंगर की परंपरा पूरे देश विच नहीं पूरी दुनिया में चली, और वह इस लंगर जिहड़ा हुण भी इत्थे दिन रात सारे जिस इत्थे कैंप बने हुए ने, संतां महापुरशां ने लंगर लाया, होर संप्रदावां ने, धार्मिक संप्रदावां ने, होर जिहड़े समाज सेवी लोग ने उन्होंने भी लंगर लगाया। शुरू तो लैके ये लंगर जिहड़ा इस अंदोलन की रीढ़ की हड्डी रहा, जिस लंगर ने इत्थे भावें किन्ने भी चमत्कार होए ने, भावें पासों भी लोगों ने आण के इस अंदोलन दे विच इस अंदोलन नूं फेड़ करन दी कोशिश कीती है, पर जदों वह बैठ के पंगत विच लंगर छकदा सी उनके मन में यह गल आउंदी सी भी मैं इत्थे कोई अंदोलन च इदां दी गल ना करां तो चंगी गल आ। यह अंदोलन और सिंघू बार्डर की स्टेज एक पाक पवित्र स्टेज है, जिस स्टेज के उपरों सवेरे हनुमान चालीसा का हिंदू भाईचारे का पाठ किया जाता है, उस स्टेज पर मुसलमान भाईचारे की कुरान की तिलावत का पाठ किया जाता है, उस स्टेज पर गुरु की बाणी गुरु पंचम पातशाह शहीदों के सरताज धन गुरु अर्जन देव पातशाह के जड़े मुख तो चरण हुई सुखमणी साहब जी के पाठ किए जाते हैं, और इस अंदोलन की सब तो वड्डी रीढ़ की हड्डी धन गुरु नानक पातशाह ने, जिस धन गुरु नानक पातशाह ने सिर ते हाथ रख के शुरू तो लैके भावें कि इत्थे बहुत सारिया घटनावां विक्रम जी हुई ने, पर उन्हां घटनावां नूं दा पर्दा सी जिहड़ा वह गुरु नानक सच्चे पातशाह ने साडे सिर ते हाथ रख के पाया। जे मैं कहांगा
कि जिमें औरंगजेब नूं धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने जफरनामा लिखिया कि हुण तू बहुत अत कर ली है, बहुत तू जाने के भी ये पाप कर लेने, तो जफरनामा लिख के ही उन्होंने अकल आई। और इस तरह मैं समझागा सारे बॉर्डर से बैठा हुआ किसान साड़िया मतावान नौजवान वीर ते बजुर्ग साहबान जिहड़े 80-90 साल दिया मतावान ते बजुर्ग ने वो तपस्या करते रेल ट्राली के अरदासा करते, जिस तरह सिंगू बॉर्डर की स्टेज तो दास की ड्यूटी लगी हुई है करते रहे, और उस अरदास का असर उस सच्चे पातशाह ने कृपा की ते होया। फिर 19 नवंबर नू गुरु नानक पातशाह के गुरपुरब वाले दिन साढ़े देश के दे प्रधानमंत्री वह जफरनामा एक साल का पढ़ना पिया, और ये गल कहनी पई, और किसानों तो उन्होंने माफ़ी भी मंगी और नाल ये गल कही भी मैं तीनों काले कानून जड़े ने उन्हों का पढ़न करना यह वापस लेना। यह अजे गल अमल में बाकी है, ऐलान जरूर हो चुका है, क्योंकि इस अंदोलन के भावें असी कुछ खोया भी बहुत कुछ है, 700 तो उपर किसान जड़े ने वो शहीदियां प्राप्त कर दित कर चुके हैं, जिन्हां विच साड़ियां मातावां भैणां भी है ने, साडे बजुर्ग भी ने, साडे नौजवान वीर भी ने, पर इस अंदोलन की जिहड़ी असली सच्चाई है वो सिदक सबर ते संतोख, सब तो वड्डी रीढ़ की हड्डी गुरु नानक पातशाह ने, उस तो अगला दूजे नंबर पर शांतमई अंदोलन का रहना, यह सब तो वड्डी साडी इहदी भी जित, इहदा भी सिरा जांदा। मैं कहांगा विक्रम जी, ये अंदोलन दुनिया का आखिरी ते पहला अंदोलन सी, जिस अंदोलन ने सारी दुनिया के उपर चानण पखारिया, और सारी दुनिया के उपर इस अंदोलन ने एक वक्री रूपरेखा दिती है। इस अंदोलन नाल वो लोग भी आण के जुड़े ने जिहड़े घर विच बैठे सी, जिन्हां नूं पता नहीं सी किसानी की चीज़ हुंदी है, पर किसान जथेबंदियां ने अगे लग के 32 किसान जथेबंदियां ने जिहड़ा पंजाब दा एक महक दा गलदस्ता बनिया होया सी, उसने भी आपदी मेहनत की, और 40 जथेबंदियां पूरे देश दियां और 570 जथेबंदियां पूरे देश दियां ने अगे लग के इस मोर्चे की वागडोर नूं संभालिया। पर जिहड़ी किरपा सी, जो गैबी शक्ति सी, उस राम दी, अल्लाह दी, वाहगुरु दी, उस काल पुरख ने सारा कुछ किया जो मोदी दे मूंह विचों लफ्ज कढवाए ने। क्यों लगता है कि इसके पिछे का कारण की लगता है कि मतलब यही दिन ही क्यों चुनिया गया होगा, की लगता है गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब, फिर उन्होंने बधाइया दित्तियां, माफ़ी मंगी, फिर उन्होंने ऐलान किया। देखो धन गुरु नानक पातशाह सारी दुनिया के जगत के बाबा जी ने, किसी एक दे नहीं, उन्होंने जात पात तो दुनिया नूं रहित किया, उन्होंने सारे वखरेवे दूर किए, और पैदल ही तुर के 4 उदासियां कीतियां। वो गुरु नानक पातशाह सच्चे पातशाह जी जदों 4 उदासियां करन तो बाद जदों करतारपुर पहुंचे तो उन्होंने सोचा भी सब तो वधिया किरत है, किरत एक सच्चाई का वखरा अंदाज है, और किरत करके ये गल कही, किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिद चाकरी भीख मंगे गुवार, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने खेती नू सब तो उत्तम किया, व्यापार नू मध्यम किया, नौकरी नू मध्यम किया, सब तो खेती नू उत्तम क्यों किया, क्योंकि कणक झोना नरमा कपाह दालां होर भी जिन्नियां फसलां असीं तैयार करदे आं उन्हां विच किसी तरह की बेईमानी नहीं हो सकती, जदों असीं मंडी विच लैके जांदे आं वह उस तरह ही तोली जाती है, कोई उन्हें पानी नहीं, कोई उन्हें बेईमानी नहीं, सच की किरत दसा नूहां की किरत है। इस परों सारा कुछ पढ़न के बावजूद, सारा कुछ वेखन के बावजूद, क्योंकि पास्यों आस्यों भी देश के प्रधानमंत्री कहा जाता रहा भी तुहाडे वास्ते गलत काम है, देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, मतावां ते बजुर्ग जिन्होंने अपने पिंडे के उपर गर्मी हंडाई, सारा संताप जिहड़ी ठंड हंडाई, हुण फिर दोबारा ठंड आ चुकी है, इस पर भी सोचा होगा देश के प्रधानमंत्री ने। पर एक गल मैं नाल जोड़नी चाहांगा विक्रम जी, भी इस उस काल पुरख ने ही यह सारा कुछ किया, उन्हें ही यह सिखाया भी भाई रात हो सकता सुपने में देश के प्रधानमंत्री ने गल आई हो भी मैनू इन्ना चिर देश के अन्नदाते नहीं बिठाना चाहिए, यह मतावान का बजुर्गों का कितने मैं पाप ही ना लग जाए, इस परों देश के प्रधानमंत्री उस सच्चाई बोलनी पई और कानूनों वापस लैन का प्रण करना पाया। नानक साहब ने करतारपुर साहब जाके खेती की, उन्होंने जिदा तुम भी दसिया कि करतारपुर साहब भी असं पढ़ते हैं या होर बहुत सारिया थावान का जो जिक्र आता तो उत्थे भी जिदा करतारपुर साहब एक किसान किसान का बुत भी, क्योंकि बाबा न गुरु नानक साहब ने भी खेती की उत्थे जाके तो हल टंगया हुआ मोढ़े ते किसान दे, तां किस तरह देखा जाए खेती तो परंपरागत कह लो या फिर जिदा
दादे पड़दादे करते रहे पुश्तां तों खेती करदा आ रहा पंजाब दा किसान हरियाणे दा किसान खैर पहलां तां पंजाब ही सीगा बाद च हरियाणा स्टेट अलग हो गई किस तरह देखदे हो सारियां चीज़ां नूं इहदे उत्ते भी एक गल विक्रम जी जरूर जोड़ांगे भी जदों गुरु नानक पातशाह करतारपुर पहुंचे उस समय ते पहुंच के उत्थे एक सिंह नूं कहा भी ये जमीन किस दी है कहिंदे भी मेरी है गुरु नानक पातशाह कहिंदे भी नहीं पहला किस दी सीगी कहिंदे मेरे बाप दी उस तो पहला कहिंदे मेरे दादा जी दी उस तो पहला कहिंदे मेरे पड़दादा जी दी फिर गुरु नानक पातशाह ने कहा यह ना जमीन तेरी है ते ना जमीन मेरी है ये उस करतार दी है तां करके उहदा नां करतारपुर साहिब पिया अज सच्चे पातशाह ने यह भी एक भाणा वरताया कि सब तो वड्डा चमत्कार दुनिया के उपर होया मैं दस देना चाहना साढ़े स्रोतियां नूं भी जिहड़े स्रोते देखणगे कि जदों 19 तरीक नूं सवेरे मैं इत्थों प्रशादा छक के अरजाना स्टेज पर पहुँचदा अगे वांग 19 तरीक नूं जदों मैं विक्रम जी उत्थे पहुँचिया तो पाठ शुरू कर दिता एक मोबाइल के उपर मैं अरजाना पाठ करदा एक दूसरा छोटा मोबाइल मेरी जेब दे विच सीगा वह वार वार फोन उहदे उपर आ रहा सी सैलेंट ते लगा सी और मैं बाहर कढ़ के देखा को अमरजीत सिंह किसी की हो भी मैं चलो ए कर दिना पता लग जूगा पाठ करदा कहण तो भाव विक्रम जी भी पता नहीं फोनों की लैन लगी हुई सी किन्ने को फोन आउंदे मन में कई क्यास राई आईया पर असी बाणी अपनी उस जो काल पुरख की कृपा के अनुसार ध्यान नाल पढ़ते रहे अरदास करन तो बाद जो चकारा छड़िया फतेह बड़ाई एक बजुर्ग पिछों आउंदा ते मैनूं दसदा भी पुत्रा मोदी ने कानून वापस लै लैना मैं उस गल ते फिर भी यकीन ना यकीन दे विच बदलिया और मैं क्या भी हो सकता बजुर्ग मैं तो उवें बोलिया भी बजुर्ग मैनूं आण के सूचना दे रहे ने इहदे मगर सच की है झूठ की बाद च पता लगेगा और मैं जदों सामने देखिया तो फिर उस तरह साढ़े नौजवान वीर तो बजुर्ग वो खुशी मना रहे सीगे जदों मैं खुशी वेखी तो फिर मैं वो उस गल नूं देखिया भी अज साढ़े शहीद होए किसानां दी जित है लखीमपुर खीरी दे शहीद होए किसानां दी जित है ये जित तो उन्हां मतावां दी है जो टीकरी बॉर्डर ते उन्हां नूं एक टिप्पर थले दे के कुचलिया गया और सारे किसानां दी जित हुई है उन्हां शहीदां दी इन्हां शहीदां ने इत्थे वरतारा किया गुरु नानक पातशाह ने कृपा करके उनकी कृपा के अनुसार सारा कुछ ये साढ़े देश के प्रधानमंत्री नूं बोलना पिया तां करके ये वड्डा चमत्कार दुनिया का यह वापरिया मैं समझांगा इस अंदोलन दे विच अज तक भावें किस तरह के भी कोई घटनावां वापरियां ने पर जो जथेबंदियां दा केडर सी जो तो जथेबंदियां ने सूझवान किसान नौजवान बतावां भैणां उन्होंने अज तक इस अंदोलन दे विच किसी नूं टच भी नहीं किया किसी नूं माड़ा शब्द भी नहीं किया फिर उत्थे गल लंगरां दी आउंदी है लंगर की जिहड़ी परंपरावां ने यह सब तो वड्डियां ने अज असीं हरिमंदर साहब जाने अमृतसर दरबार साहब मत्था टेकदे हाँ तो सब तो पहला जो असं किसी संत महापुरुषों को भी जाने वो कहते हैं भी पहला पंगत फिर संगत क्योंकि पहला पंगत में बैठ के प्रशादा छकया जाए प्रशादा लंगर ही एक सब तो वड्डी परंपरा है उत्थे प्रशादा छको फिर अगले जाके गुरु साहब नूं नतमस्तक होवो फिर कोई गलबात करो इस परों जिहड़ा सिक्खी सिधांत दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी गल हैगी लंगर दी आ जदों भगत पूर्ण सिंह जी भी उत्थे दरबार साहब ते पहुँचते हैं उन्होंने भी अपनी जिंदगी दे विच बहुत कुछ हंडाया एक बार मैं पढ़िया उन्हों का भी जदों कि वो अलग अलग धर्मों के कोल जो इतिहास के जोड़े धर्म बने हुए ने गुरद्वरे ने मंदिर ने कुछ है उत्थे जाके पुछया तो कहिंदे भुख बहुत लगी हुई आ फिर एक सिख ने दस्या भी भाई गुरमुखा जे तू प्रशादा छकना है ना तो तुसीं दुख निवारण गुरद्वारा पटियाले जाओ फिर उत्थे पहुँचया उत्थे नाल देखदा कोई थाली रख दिंदा है कोई गिलास रख दिंदा कोई कौली रख दिंदा सब्जी प्रशादा दाल पा दिंदे ने ते जदों नाल तकदा है ते महाराजा पटियाला बैठा होया वो प्रशादा छक रहा पुछया कौन है महाराजा पटियाला फिर भगत पूर्ण भगत इहदा पहला अपना पूर्ण दास नाम सीगा उस तो बाद फिर जदों पता लगा भी एड्डी वड्डी कृपा गुरु नानक दे घर विच फिर वो अपने उन्हें खुशी जाहिर कीती ते फिर उन्हें उठ के कहा भी गुरु नानक पातशाह दा घर सब तो वड्डा है अज भी सारी दुनिया संसार मानता आप देख रहे हैं सारा कुछ फिर उस तो बाद उन्होंने नाम भगत पूर्ण सिंह पिया फिर दुनिया के एक वक्रे भगत होए जो उन्होंने क्या क्या उन्होंने भी इतने तुम कितने जगह लेनी है दरबार साहब तो उन्होंने जोड़े घर के सामने एक छोटी जी जगह ली उन्हें कहा भी मैं जोड़े घर को जगह लेनी है इस तरह का लंगर की जी परंपरा शुरू तो लैके चली हुई है इस लंगर की कृपा के अनुसार बहुत सारे लोग जड़े ने उन्होंने मन बदल गए बहुत सारे लोग जो अमृत
ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਏ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ। बलवंत सिंह बहराम के साथ मौजूद सन। बलवंत सिंह बहराम के वो शख्स ने, वो किसान आगू ने जिहड़े मुढ़ तो लैके जो तो सिंघू बॉर्डर से स्टेज शुरू हुई है उदों तो अरदास ते पाठ ते अरदास सब ये करते रहे ने। और बलवंत सिंह बहराम के उन्होंने चर्चा विचार चर्चा करने का मकसद यो सी कि सारिया चीज़ों पर डिस्कस हो सके, क्योंकि लंगर इस अंदोलन की रीढ़ की हड्डी रहे ने। बहुत सारे अंदोलन पहला हुए ने, पर बहुत सारे देशों विदेशों जो अंदोलन हुए फ्लॉप होंगे रहे अन्न पानी ना पहुँचने करके भी। पर यह सब तो वड्डी मन्या जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी रहा लंगर अंदोलन लंबा चलिया इस करके, क्योंकि रसद पहुँचती रही, लंगर पहुँचते रहे और संगत सेवा कर दया रही इस करके भी। तो नाल ही गुरु नानक साहब की भी एक वड्डी कृपा रही है। जिन्हें भी वक् वक् धर्मां दे मनन वाले लोग ने सब आपो अपने भगवान नूं ध्यांदे सीगे इत्थे स्टेज तो भी। और गुरु नानक साहब के प्रकाश दिहाड़े ते प्रधानमंत्री मोदी हुणा वल्लों यह फैसला लिया गया। उस तो कुछ दिन पहला ही करतारपुर साहब जाने लई लांघा खोलिया जाता, फिर यह कृपा की हुंदी है गुरु नानक साहब की। तो यह सारी चीज़ इस तरह जोड़ के देखी जा रही है कि कितने ना कितने गुरु नानक साहब की कृपा हुई है। इस तरह इस करके ही प्रधानमंत्री मोदी हुणा ने यह फैसला लिया। पर लंबा अंदोलन जिहड़ा चलिया उसकी एक इस करके जित हुई है कि यह अंदोलन शांतिपूर्ण भी रहा है। कैमरा परसन शमशेर के नाल विक्रम सिंह प्रो, पंजाब टीवी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।